हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष सिंह और आज हम लोग कुछ जनरल इंट्रीज करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कितने टाइप का होता है, जनरल इंट्री क्या होता है, जनरल इंट्री में गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम गोल्डन रूल्स को फिर से रिवाइज करते हैं। तो गोल्डन रूल आपका तीन टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए, एक हो गया रियल अकाउंट के लिए और एक हो गया नॉमिनल अकाउंट के लिए। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है कि अगर रिसीवर होगा तो डेबिट में दिखा देंगे और गिवर होगा तो क्रेडिट में दिखा देंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है तो कहेंगे कमसिन होगा तो डेबिट में दिखा देंगे और गोज आउट होगा तो क्रेडिट में दिखा देंगे। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंस और लॉस होगा तो डेबिट में दिखा देंगे और इनकम और गेन होगा तो क्रेडिट में दिखा देंगे। हम लोग गेन को प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो ट्रांजैक्शन नंबर वन हम लोग शुरू करते हैं। हमारा ट्रांजैक्शन है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना 10,000। देखो, जब भी आप जनरल एंट्री बनाओ ना तो आपको किसके तरफ से सोचना है, बिजनेस के तरफ से सोचना है। क्या बोले हम कि जब भी आप जनरल एंट्री बनाओ तो आपको किसके तरफ से सोच कर बनाना है, बिजनेस के तरफ से। तो देखो, मोहन बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है कितना कैश से, 10,000 से। ठीक है, तो मोहन जो ये 10,000 कैश से बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन 10,000 कैश क्या किया, बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस के तरफ से अगर हम सोचेंगे तो कैश क्या हो रहा है, आपका कमसिन हो रहा है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैश आपका रियल अकाउंट में आता है और रियल अकाउंट में क्या रूल अप्लाई करते हैं कि कमसिन होगा तो डेबिट और गोज आउट होगा तो क्रेडिट। तो मोहन बिजनेस में कैश लगा रहा है तो बिजनेस के तरफ से सोचेंगे तो कैश क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। कैश क्या हो रहा है आपका, कमसिन हो रहा है। ठीक है, और रूल के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, कमसिन को कहाँ दिखा देते हैं, डेबिट में। तो हमारा कैश अकाउंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। अब देखो, मोहन बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है तो मोहन यहाँ पर कौन से अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। अब मोहन बिजनेस में पैसा लगा रहा है यानी कि बिजनेस में पैसा दे रहा है तो ये क्या हो गया, गिवर हो गया। मोहन आपका क्या हो गया, गिवर हो गया। और गिवर के केस में कहाँ दिखा देंगे हम, क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है, तो हमारा जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा, तो डेबिट में आपका क्या आ गया, कैश। तो हमारा जनरल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, तो मोहन यहाँ पे गिवर है, हम उसको कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में, मोहन। अब देखो, सिर्फ हम ये एंट्री कर दें कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहन आपका प्रोपराइटर है। आप प्रोपराइटर जब बिजनेस अकाउंट बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग सिर्फ मोहन अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग पूरा क्या लिखेंगे, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद रखोगे जब भी प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करे तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, तो पूरा अकाउंट हमारा क्या होगा, जैसे मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मोहन के जगह राम होता, राम बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है तो क्या हो जाता है, राम्स कैपिटल। ठीक है, और इसको हम क्रेडिट में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका ये पर्सनल अकाउंट में आ रहा है और मोहन यहाँ पे पैसा दे रहा है, गिवर हो गया, तो गिवर के केस में कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो हमारा कंप्लीट जनरल एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000। ठीक है, अब मान लो यही सेम ट्रांजेक्शन रहता है, नाम चेंज कर देते हैं, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। सोहन बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। कैश को डेबिट में क्यों दिखाएं, कमसिन हो रहा है, और सोहन्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि गिवर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश RS 10,000, तो हम क्या किए, कैश अकाउंट को डेबिट में दिखाएं, क्यों दिखाएं, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है। और मोहन्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में क्यों दिखाएं, क्योंकि मोहन यहाँ पे क्या है, गिवर है, तो गिवर कहाँ से चला जाता है, क्रेडिट से चला जाता है। ठीक है, जब भी मोहन बिजनेस स्टार्ट करे या कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करे तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। यहाँ मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट यूज कर दिए। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट करके भी लिख सकते हो ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट, और आप लोग क्या कर सकते हो, मोहन्स कैपिटल अकाउंट की जगह सिर्फ कैपिटल अकाउंट यूज कर सकते हो। तो इसका एंट्री क्या कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो ये एंट्री करो या ये एंट्री करो। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, ये वाला एंट्री करते हैं। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा हम लोग एंट्री क्या कर देंगे, कैश हमारा कमसिन हो रहा है डेबिट में, और कैपिटल क्या होता है, जो प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो गिवर होता है, तो गिवर के केस में कहाँ दिखा देते हैं, क्रेडिट में। तो हमारा इस ट्रांजेक्शन का कंप्लीट एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इन टू बैंक 7000। बैंक में कितना पेड किया हमने? 7000। तो एक बैंक अकाउंट खोलो। बैंक कौन से अकाउंट में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट। हमने पिछले क्लास में बताया था कि बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन किस में आ जाता है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या देखते हैं कि अगर रिसीवर होगा तो डेबिट में दिखा देंगे और गिवर होगा तो क्रेडिट में। तो बैंक में आप पेड कर रहे हो तो बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो रिसीवर के केस में कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। तो बैंक यहाँ रिसीवर है, हम उसको हम डेबिट में दिखा दिए, ठीक है। और क्या पेड कर रहे हैं हम? कैश। कैश आपका किस में आ जाएगा? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में कौन सा रूल देखते हैं? कम्स इन या गोज आउट। तो बैंक में पेड कर रहे हैं तो कैश आपका क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। आप बैंक में पेड करोगे तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, गोज आउट। तो गोज आउट के केस में कहाँ दिखा देंगे हम? क्रेडिट में। तो कैश आपका गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट में दिखा दो। कितना अमाउंट दे दिए? 7000, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश 500। बॉट मतलब क्या होता है? कि कैश देकर सामान खरीदा, यानी कहीं सामान खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेज अकाउंट। अब परचेज आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। अब परचेज मतलब क्या होता है? एक्सपेंस हो जाएगा। परचेज आपका आता है नॉमिनल अकाउंट, खरीद रहे हो तो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो परचेज यहाँ एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को कहाँ रखते हैं हम लोग? डेबिट में। तो परचेज आपका एक्सपेंस हो गया, डेबिट में दिखा दो। तो हो जाएगा एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या देके खरीद रहे हैं? कैश। कैश आपका कौन से अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में कौन सा रूल देखते हैं? कम्स इन होगा तो डेबिट और गोज आउट होगा तो क्रेडिट। आप बताओ सामान खरीद रहे हैं तो कैश क्या होगा? आएगा या जाएगा? तो कहेंगे कैश आपका क्या हो रहा है? जा रहा है, गोज आउट। तो गोज आउट के केस में कैश को कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट साइड। तो हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना दे दिए? 500, ठीक है। तो परचेज को डेबिट में क्यों दिखाएं? क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाता है? डेबिट में। और कैश को क्रेडिट में क्यों दिखाएं? क्योंकि कैश आप क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। जब भी आप सामान खरीदोगे तो कैश क्या होगा? गोज आउट होगा। तो गोज आउट के केस में कहाँ दिखा देंगे हम? क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो हमारा एंट्री क्या हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बैंक से क्या किया? 100 रुपीज विड्रॉ किए हैं, हमने 100 रुपीज निकाले हैं। तो देखो बैंक से निकालेंगे तो हमारा कैश क्या हो रहा है? हम बैंक से क्या निकाल रहे हैं? कैश निकाल रहे हैं। कैश हमारा रियल अकाउंट में आ जाएगा। और रियल अकाउंट में क्या देखते हैं? कम्स इन या गोज आउट। तो बताओ क्या हो रहा है? बैंक से आप विड्रॉ कर रहे हो तो कैश आपका क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है। अब बैंक से पैसा निकालोगे तो आपके पास कैश आएगा, यानी कैश क्या हो रहा है? कम्स इन। तो कम्स इन को कहाँ दिखा देते हैं? डेबिट में। तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट में। पैसा हम कहाँ से निकाल रहे हैं? बैंक से। बैंक आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। हमने पिछले क्लास में बताया था कि बैंक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में क्या देखते हैं? रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। बताओ क्या है? बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक क्या हो गया? गिवर हो गया। तो गिवर के केस में कहाँ दिखा देते हैं? क्रेडिट में। तो बैंक को हम यहाँ पे क्रेडिट में दिखा देते हैं। क्यों क्रेडिट में दिखाएंगे? क्योंकि बैंक हमारा यहाँ क्या हो रहा है? गिवर हो रहा है। अमाउंट कितना दे दिए? 100, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 150। मैंने राम को 150 का क्या किया गया? सामान क्रेडिट पर बेचा गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? राम को बेच रहे हैं तो एक राम अकाउंट खोलेंगे। अब बेच रहे हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सेल्स अकाउंट। राम आपका कौन सा अकाउंट में आ जाता है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि रिसीवर होगा तो डेबिट में दिखाएंगे और गिवर होगा तो क्रेडिट में। बताओ राम क्या हो रहा है? राम को आप सामान बेच रहे हो, तो राम को सामान बेच रहे हैं तो राम आपका क्या हो गया? रिसीवर हो गया। राम को सामान बेच रहे हैं तो राम सामान क्या कर रहा है? ले रहा है। राम क्या हो गया? रिसीवर। तो रिसीवर के केस में कहाँ रख देते हैं? डेबिट में। तो राम्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट में दिखा दिया। और सामान बेच रहे हैं तो बेचने के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सेल्स अकाउंट। और सेल आपका आ जाएगा, सेल आपका इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो इनकम कहाँ दिखा देते हैं हम? क्रेडिट में। तो सेल हमारा इनकम है इसलिए इसको हम कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट में। अमाउंट कितना दे दिए? 150, ठीक है। तो हमारा इसका एंट्री क्या हो गया? राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना। किसे खरीद रहे हैं हम? श्याम से, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बॉट के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। अब परचेज आपका आएगा नॉमिनल अकाउंट। अब खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में।
परचेज कर रहे हो, परचेज आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस कहाँ जाएगा? डेबिट में। किससे खरीद रहे हो आप? सियाम से। तो सियाम आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। आप पर्सनल अकाउंट में क्या देखते हैं? रिसीवर होगा तो डेबिट में, रिसीवर होगा तो डेबिट में, और गिवर होगा तो क्रेडिट में। तो सियाम से खरीद रहे हैं तो सियाम क्या हो गया आपका? गिवर हो गया। आप सियाम से खरीद रहे हो तो सामान दे रहे हो, क्या हो गया? देने वाला, यानी गिवर हो गया। तो गिवर को कहाँ दिखा देते हैं? क्रेडिट में। तो सियाम को हम क्रेडिट में दिखा देंगे। क्यों दिखा देंगे? तो सियाम हमारा क्या हो रहा है? गिवर हो रहा है। अमाउंट कितना दे देंगे? 225, 225। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम राम 145, अलाउड हिम डिस्काउंट 5। अब देखो, आप राम से रिसीव्ड कर रहे हो तो क्या रिसीव कर रहे हो? पैसा, कैश। तो कैश आपका किस में आ जाएगा? रियल अकाउंट। और रिसीव करोगे तो कैश आएगा, कमसिन हो रहा है। तो कमसिन कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। तो कैश हमारा कमसिन हो रहा है डेबिट में। और इस क्वेश्चन, इस ट्रांजेक्शन में क्या देख रहे हो कि डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो हम क्या बताएं कि अगर कैश डेबिट में जाएगा तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट में। हम पिछले क्लास में बताए थे कि कैश को अगर हम डेबिट में दिखाते हैं तो डिस्काउंट को भी कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। और किससे रिसीव कर रहे हैं हम? राम से। तो राम आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट। और राम से आप रिसीव कर रहे हो यानी कि राम दे रहा है, तो राम दे रहा है तो राम क्या हो गया? गिवर हो गया। तो गिवर के केस में कहाँ दिखा देते हैं? क्रेडिट में। तो राम यहाँ पे गिवर हो रहा है इसलिए हम इसको कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट में। अमाउंट कैसे देंगे? तो पहले क्या करो, ये जो दिया हुआ अमाउंट है इन दोनों को पहले ऐड कर दो। तो 145 और 5 जोड़ दिए 150। अब ये जो ऐड करके जो अमाउंट आया इसको तुम दिखा देना पर्सनल अकाउंट में। किस में दिखा देंगे? पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट क्या है? राम है। राम में हम टोटल दिखा दिए 150। कैश में हम कितना दिखा देंगे? 145। और डिस्काउंट में कितना दिखा देंगे? 5। ठीक है। अब देखना यहाँ पे रिसीव्ड करना, यानी कि राम से हमें कितना रिसीव करना था? 150। हमें मिला कितना? 145। हमने 5 रुपये का क्या किया? उसको डिस्काउंट दिया। तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हुआ। किसी को अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट क्या होगा हमारे लिए? एक्सपेंस होगा। और जर्नल एंट्री का गोल्डन रूल क्या है कि एक्सपेंस को हम कहाँ रखते हैं? डेबिट में। इसलिए डिस्काउंट को हम कहाँ दिखा दिए? डेबिट में। ठीक है। तो यहाँ डिस्काउंट डेबिट में दिखाने का मतलब क्या हो रहा है कि डिस्काउंट आपका क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। और नियम के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को हम कहाँ दिखा देते हैं? डेबिट में। डेबिट साइड जो डिस्काउंट लिखा गया है उसको डिस्काउंट अलाउड भी कहा जाता है। यानी कि आप लोग यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन क्या था? रिसीव फ्रॉम राम 145, अलाउड हिम डिस्काउंट 5। इसका जर्नल एंट्री क्या किया? तो कैश कम्स इन हुआ डेबिट में, डिस्काउंट कैश अगर डेबिट तो डिस्काउंट को भी कहाँ दिखा दिए? डेबिट में। और राम गिवर हो गया, कहाँ दिखा दिए? क्रेडिट में। हमने क्या किया, अमाउंट कैसे दिखाया? तो इन दोनों को ऐड करके पर्सनल अकाउंट में दिखा दिया 150, और कैश में कितना दिखा दिया? 145। और डिस्काउंट में कितना दिखा दिया? 5 रुपीज़। यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट में क्यों दिखाया गया? तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। जो डिस्काउंट एक्सपेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा पेड सियाम कैश 215, और डिस्काउंट रिसीव कितना है? 10। इसका मतलब हो गया कि सियाम को कितना पेड किया गया? 215 का। और डिस्काउंट रिसीव हुआ कितना? 10 रुपीज। तो देखो, सियाम को हम पेड कर रहे हैं तो सियाम आपका किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। आप पेड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिसीवर हो रहा है। तो रिसीवर को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। तो सियाम आपका हो जाएगा डेबिट में। तो लिख देंगे सियाम से अकाउंट डेबिट। क्या पेड कर रहे हो आप? कैश। तो कैश आपका आ जाता है रियल अकाउंट। और पेड कर रहे हो तो कैश जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? गोज आउट। तो गोज आउट कहाँ दिखा देते हैं? क्रेडिट में। तो कैश आपका गोज आउट हो गया, क्रेडिट में दिखा दो। ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या है? डिस्काउंट भी है। तो क्या पिछले क्लास में क्या बताए थे कि अगर कैश क्रेडिट साइड है तो डिस्काउंट को भी कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट साइड। डिस्काउंट को भी कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है। अमाउंट कैसे दिखाएंगे? तो इन दोनों को पहले ऐड कर दो, कितना हो गया? 225। और कौन सा अकाउंट में दिखा देंगे? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे क्या है? सियाम है। तो सियाम में दिखा दें 225। कैश में कितना दिखा देंगे? 215। और डिस्काउंट में कितना दिखा देंगे? 10 रुपीज़। ठीक है। अब देखो, सियाम को पेड करना था तो सियाम को हम कितना देना था? 225। कितना दिए? 215। 10 रुपये का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। और रूल है कि इनकम को कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में। इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट इनकम हो रहा है इसलिए इसको हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में।
जो डिस्काउंट आपका इनकम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसिप्ट भी कहते हैं। यानी इसे डिस्काउंट के जगह पे आप लोग डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन का एंट्री क्या हो गया, श्याम्स अकाउंट डेबिट आर टू कैश अकाउंट आर टू डिस्काउंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स फॉर द मंथ 800। इसका मतलब हो गया नगद बेचा गया, आप बेचे और आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश आपका रियल अकाउंट आ रहा है, मतलब कम सिन, तो कम सिन को कहाँ दिखा देते हैं, डेबिट में। तो आप सामान बेच रहे हो, कैश आपका क्या हो रहा है, कम सिन हो रहा है, डेबिट में दिखा दिया। और सेल आपका किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट। अब बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो इनकम को कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। हमेशा याद रखो सेल क्या होता है, इनकम होता है, और इनकम को कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो सेल आपका इनकम हो गया, उसको हम क्रेडिट में दिखा देते हैं। अमाउंट दे दिए 800। तो हमारा ट्रांजेक्शन था कैश सेल्स फॉर द मंथ 800। तो हमारा जन एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन हुआ इसलिए डेबिट में, और सेल इनकम हुआ इसलिए क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट RS50। तो रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट आपका आता है नॉमिनल अकाउंट, और रेंट पेड करोगे तो आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। तो रेंट यहाँ एक्सपेंस हो गया, इसको हम दिखा देते हैं डेबिट में। आप पेड कर रहे हैं तो कैश, कैश से पेड कर रहे हैं तो कैश आपका क्या हो रहा है, जा रहा है। आप रेंट पेड करोगे तो आपका, आपके पास से कैश क्या होगा, गोज आउट होगा। तो गोज आउट के केस में कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो कैश यहाँ गोज आउट हो रहा है इसलिए इसको हम कहाँ दिखा देते हैं, क्रेडिट में। अमाउंट दे दिए 50, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो एक चीज़ बता दें, जर्नल एंट्री बनाने के लिए गोल्डन रूल्स याद होने बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ सभी गोल्डन रूल्स को अच्छे से क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है। कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी RS 100, ठीक है। यानी कि हम सैलरी कितना पेड कर रहे हैं, 100। तो सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। आप पेड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस कहाँ दिखा देते हैं, डेबिट में। तो सैलरी यहाँ पे एक्सपेंस हो गया, इसको हम कहाँ दिखा देते हैं, डेबिट में। और क्या पेड कर रहे हैं हम, कैश। तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है। आप पेड करोगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा, गोज आउट हो रहा है। तो गोज आउट के केस में कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो कैश आपका गोज आउट हो गया, क्रेडिट में दिखा देंगे। अमाउंट कितना दे दिए, 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेड सैलरी बाय चेक 500। जैसे यहाँ देखिए इस एंट्री को, सैलरी हमने पेड किया तो क्या एंट्री किया हमने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट यूज किया। अब वही अगर सैलरी चेक से पेमेंट होगा तो हम कैश अकाउंट के जगह कौन सा अकाउंट यूज कर लेंगे, बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट करने का मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट किया जाएगा, आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट साइड दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, बस सीधा सा ट्रिक है कि सैलरी पेड कर रहे हो तो सैलरी टू कैश, और वही पेड अगर चेक से कर रहे हो तो कैश के जगह कौन सा अकाउंट यूज कर लेंगे, बैंक अकाउंट यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है, पेड सैलरी बाई चेक 500। तो सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, डेबिट में। और चेक से दे रहे हैं तो ये कैश अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट यूज हो जाएगा, बैंक अकाउंट यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखो कि अगर सैलरी हम सैलरी पेड कर रहे हैं और कैश दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, सैलरी टू कैश। और सैलरी पेड कर रहे हैं चेक से तो क्या एंट्री होगा, सैलरी टू बैंक। क्या चेंज हुआ, तो हमने कैश अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट यूज कर लिया, बैंक अकाउंट। क्यों यूज किया, क्योंकि सैलरी हम किससे पेड कर रहे हैं, चेक से। तो जब चेक से पेड करेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज कर देंगे, बैंक अकाउंट यूज कर लेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट बाय चेक RS 1000। हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। रेंट आपका आता है नॉमिनल अकाउंट, आप पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस कहाँ जाएगा, डेबिट में, ठीक है। और अगर हम पिछला ट्रांजेक्शन क्या बताया था कि अगर रेंट पेड किए हैं तो क्या एंट्री की है, रेंट टू कैश। और वही अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट यूज हो जाएगा, बैंक अकाउंट यूज हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो गया, अगर रेंट पेड बाई चेक रहे तो रेंट आपका एक्सपेंस हुआ, डेबिट में। बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट को कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। आपको बस कुछ नहीं करना है, कैश चेंज कर देना है। अगर आप रेंट पेड कर रहे हो और कैश दे रहे हो तो आप क्या एंट्री करते हो, मान लो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और वही अगर कैश के जगह आप चेक दे रहे हो तो चेक के लिए कैश के जगह कौन सा अकाउंट यूज हो जाएगा, बैंक अकाउंट यूज हो जाएगा। अमाउंट दे दो 1000, ठीक है। तो इस तरह हमारा आज का क्लास क्या हो गया, समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।